मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर हाथ राजनीति करना निष्ठा की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुसाहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना निष्ठा की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुसाहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे।